कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार से 4 थाना क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसी के साथ जिले में दुकानों के खोलने के लिए बनाई गई रोस्टर प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया है। अब साप्ताहिक बंदी को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलेंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, आज की गई समीक्षा में हमने ये भी देखा कि किसी शहर में इतने हॉटस्पॉट बन गए हैं, खासतौर पर कहाँ का किसी थाने में उसकी अधिकता है, तो थानों में कंप्लीट बंदी का हम निर्णय लिया गया है। हमने रिपोर्ट देखी थी, कंप्लीट बंदी की गया है। साथ ही साथ जो रोस्टर सिस्टम लगा रखा है उसके बारे में भी सर को हमने बताया था, डीएम सर को, कि रोस्टर सिस्टम से चूंकि अब थाने में कंप्लीट बंदी हो रही है तो रोस्टर सिस्टम का उतना इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रह जाएगी। तो हम हर दिन मंडे से फ्राइडे हर दिन अलाउ कर देते हैं सारी चीज, और सैटरडे संडे जो शासन के द्वारा निर्धारित है वो कंप्लीट लॉकडाउन रह गई। तो इसी के मद्देनजर सर ने आज डीएम सर ने सभी रोस्टर जो पहले प्रणाली चल रही थी उसको खत्म कर दिया है। सभी प्रकार की दुकानें अब 4-5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलेंगी, 7-10 बजे से लेकर 7 बजे तक हर प्रकार। लेकिन जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो थाने हम चिन्हित किए हैं उनमें किसी प्रकार की आवाजाही बंद रहेगी। ये पैटर्न अभी चलता रहेगा, हम हर 7-7 दिन के पैटर्न को देखेंगे कि किस थाने में किस उसकी संख्या अधिक आ रही है, उसी थाने में फिर हम लॉकडाउन के लिए अनाउंस करेंगे। तो हर अभी तो ये पैटर्न चलता रहेगा जब तक कि हमारे केसेस को हम आइसोलेट नहीं कर लेते हैं, जब तक अधिक से अधिक हम केसेस को सैंपलिंग नहीं कर लेते हैं। हर वीक हॉटस्पॉट की संख्या के आधार पर निर्णय लिया जाएगा किन किन थानों में लॉकडाउन लगाना है। उसके अतिरिक्त अन्य थानों में दुकानें पूर्णतः खुली रहेंगी 10 से लेकर शाम 7 बजे तक। इसी तरीके का ये कार्यवाही, इसी तरीके का ये पैटर्न आगे भी चलता रहेगा। अभी शासन के द्वारा जो शनिवार और रविवार का जो आदेश है उसमें पूर्णतः लॉकडाउन का शासन के द्वारा बताया गया है, उस पर उसी तरीके से अभी फिलहाल चलता रहेगा जब तक कि शासन से अन्य निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। अभी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सारी गतिविधियां रहेंगी जिन लॉकडाउन के थानों को छोड़ के, और बाकी शनिवार और रविवार पूर्णतः बंद रहेगा, बंदी रहेगी। शासन के यही दिए गए निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की आवाजाही, किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान, किसी भी प्रकार के कार्यालय नहीं खुलेंगे, इसी पे काम किया जाएगा।